कहते हैं ट्रैकिंग नंबर, तो आप अमेज़न से कहें ये देखिए मैंने भेजी है इसको चीज, तो वो कोई मसला नहीं। बहरहाल आपने सबने अभी स्टार्ट ही करना है, ठीक है। तो स्टार्ट में तो हर बंदा लो इन्वेस्टमेंट छोटी चीज़ों से करता है, बड़ी चीज़ों में फ़ायदा ज़्यादा होता है लेकिन रिस्क भी इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा थोड़ा कर दीजिए। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग, ये किस तरह से हम करें। साहिरा का क्वेश्चन है हाउ टू कैलकुलेट एफबीए इन अमेज़न कैलकुलेटर। साहिरा पहले हम प्रोडक्ट्स तो ढूंढ लें हम पहले प्रोडक्ट्स ढूंढ लें तो उसके बाद फिर हम उनसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इसमें से कितने मुझे बच रहे हैं, ठीक है। अच्छा आर्यन जी amazon.com पे ये मैं बंद कर रहा हूँ सारा कुछ। ये जो सेल्स एस्टिमेटर ना ये आप यूज कर लें जंगल स्काउट का, ये बहुत अच्छा है, ये आपने सारा कुछ लिख लेना है, ठीक है। लिख लेना मीन्स मैंने स्लाइड्स में भी है लेकिन देख लीजिए। ठीक है, यहाँ भी इसको रहने आ जाते हैं जी amazon.com पे या यूके में आ जाए, ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा मिक्स चलता रहेगा। amazon.com पे भी ऐसे ही चलेगा। बेसिकली ये थोड़ा सा यूनिवर्सल फार्मूला है। अब इसके अंदर मुझे आपके मैसेजेस में एक मैसेज आया था कि कोई यूएई से भी है, तो वो जरा मुझे चैट में कंफर्म करें कि आप यूएई में करना चाहते हैं कि आप रहते यूएई में है लेकिन आप करना यूएस यूके में चाहते हैं। तो फिर मैं जो सा आपको यूएई का भी अभी बताता हूँ किस तरह से वहां पे आप प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। देखिए जरा चैट में मुझे पता तो चले मैंने किस तरह से लेके चलना है। ठीक है, ठीक है, मोहम्मद बदर साहब है, ठीक है, आपने यूएई में रहते हैं और यूएई में ही होलसेल का काम कर रहे हैं, ठीक है जी। अब हम यूएई पे भी बात करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको उसकी भी प्रोडक्ट हंटिंग बताता हूँ। ये हम आगे जी यहाँ पे यूके, ठीक है। यहाँ पे आके अब आपने क्या करना है, यहाँ पे मुख्तलिफ तरीके हैं, ठीक है, लेकिन सबसे आसान तरीका ये है कि आप यहाँ पे आए कैटेगरी, आपको पता है कि इसमें से गेटेड कैटेगरीज कौन सी हैं और ओपन कौन सी है, तो आप इसमें से सबसे मशहूर व मरूफ जो कि सारे पाकिस्तानियों की फेवरेट है वो है होम किचन, इसमें आ जाए, ठीक है। सिर्फ आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है और यहाँ पे इसको सर्च करना है। सर्च के बाद देखें, अब आपने जो क्राइटेरिया पढ़ा है कि हमने बल्कि प्रोडक्ट्स नहीं करनी, टूटने वाली प्रोडक्ट्स नहीं करनी, ये वो जो चीजें उसको आप अपने जहन में बिठा लें बिल्कुल अच्छी तरह। यहाँ पे मैं ना मिसाल देता हूँ अक्सर कि आप लोगों ने ना वो जो होती है ना एक ट्रेडिशनल अम्मी जो कि अपनी अपने बेटे के लिए रिश्ता देखने जाती है कहीं पे, तो वो लड़की को एक नज़र में जो है ना उसकी 40-50 जो सी होती है ना क्राइटेरियाज उससे स्कैन कर लेती हैं कि ये कैसी है, उठती कैसे है, बैठती कैसे है, चाय कैसी बनाई है, ये सारा कुछ हो गया, वो हो गया सारा कुछ, कैसी है शक्ल, कैसी है बाल, तो एक नज़र में एक सेकेंड में वो जो है सारा कुछ नोट कर लेती है। आपने भी इसी तरह होना है, आपने ये सारे क्राइटेरिया अपने जो उनसे ना बिल्कुल बिठा लेने अपने दिमाग के अंदर, आपने प्रोडक्ट्स को देखते साथ ही कहना है हाँ या ना, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे फर्नीचर पे ये तो पक्की बात है हमने इस कैटेगरी में नहीं आना, ठीक है, मतलब इसको करना ही नहीं है, छोटी चीजें हमने करनी है, ये इलेक्ट्रिकल चीजें नहीं हमने करनी, ठीक है, ये इनडोर लाइटिंग हमने नहीं करनी, क्यों करें इसको, मतलब ये इसका थोड़ा सा लाइबिलिटी का, ये जूसर मशीन है, ये महंगी प्रोडक्ट्स छोड़ दें। जब आप एक एस्टेब्लिश सेलर बन जाएंगे ना तो फिर आप जो सा इनको सेल कर सकते हैं, नो इश्यूज। अच्छा, मैं जितनी भी आपको बता रहा हूँ कि ये ना करें वो ना करें, ये सिर्फ नए सेलर के तौर पे आपको बता रहा हूँ। जब आप एक दो साल चीजें सेल कर लेंगे, आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप इन सारी चीजों से फिर आप जो मर्जी बेचे अमेज़न के, कोई मतलब प्रॉब्लम, ठीक है। अब ये है कि इसमें हम देख रहे हैं जैसे कुकिंग एंड डाइनिंग की है, बहुत चीजें बिकती हैं इसमें आ जाती हैं, ठीक है, सब कैटेगरी में आ गए। सब कैटेगरी में आके हमने जैसे यहाँ पे वो चेक किया था ना, एक पहले हमने कि इस कैटेगरी में सेल्स कितनी है, उसी तरह से आपने इसको अब यहाँ पे आके आपने थोड़ा सा इन प्रोडक्ट्स को देखना है, ठीक है। आप चाहें तो और भी इसके आगे जो सब कैटेगरी है उसके अंदर भी जा सकते हैं, फर्स्ट करें यहाँ पे
ये है ऑर्गेनाइजेशन है, टेबल वेयर है, बेक वेयर है, और एक कॉफी टी, किचन टूल्स एंड गैजेट्स, इसको देख के, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये आगे। अच्छा जी, ये आप देख रहे हैं, आप मुख्तलिफ किस्म की चीजें आ गई हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी ना एक्सटेंशन जरा खुल लें, तो आपने यहाँ पे आ जाना है जहाँ पे ये प्रोडक्ट्स का डाटा शो हो रहा है। प्रोडक्ट ये तो ऊपर सारी वो कैटेगरीज अंडर 15 मोस्ट गिफ्टेड हॉट न्यू रिलीजेस, ये तो उसने इस तरह से दिया होना। नीचे अब क्या है, प्रोडक्ट्स शुरू हो गई है वन बाय वन। अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है, जिसमें ज्यादा सेलर बेच रहे होंगे वो प्रोडक्ट हम लोग करें, जिसमें एक एक सेलर है वो तो मीन्स उसका वो होगा प्राइवेट लेबल। अब ये देखा आ रहा है 12 न्यू ऑफर्स, अभी किसी ने पूछा था कि न्यू क्या होता है, ये देखें न्यू ऑफर्स, इसका मतलब है कि ये 12 अकाउंट है, सॉरी ये प्रोडक्ट फैसल का क्वेश्चन है कि सर ऑल द एक्सटेंशन कैन बी यूज वाइल यूजिंग द चाइल्ड अकाउंट। देखिए आपका जो सेलर अकाउंट है उसका कोई प्रोडक्ट हंटिंग और इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है, वो एक आधी फनल गुरु वाली थी बस उसी का है, बाकी सारी एक्सटेंशंस सारा कुछ सारी रिसर्च आप बगैर सेलर अकाउंट के करते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं। कुछ इसके अंदर होगी जो स्कैन अनलिमिटेड टाइप चीजें हैं तो वो उनके साथ अटैच करना पड़ता है, अदरवाइज ये नॉर्मल सर्चिंग आप कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे इसके अंदर देखें 12 ऑफर है, इसको हम खोल के देखते हैं। ये आगे प्रोडक्ट, ठीक है, अब यूके है या यूएसए है, हमने इसको एक ही तरह से देखना है, ठीक है। ये उसने कहा जी न्यू 12 है इसके अंदर, ठीक है, लोग सेल कर रहे हैं तो इसको हम ओपन कर रहे हैं। अच्छा यहां पे सबसे पहले जो हमें इस प्रोडक्ट को रिजेक्ट करने की रीजन नजर आ गई है ना, वो है जी अमेज़न बैठा हुआ है, इसको छोड़ो यहीं पे छोड़ दें इसका। नेक्स्ट देखते हैं जहां पे ज्यादा सेलर हो। ये 19 सेलर्स इसको बेच रहे हैं, इसको खोल के देख। प्रोडक्ट को आपने ओपन कर लिया, अब इसको आगे इसके सेलर्स आपने देख, ठीक है। हीलियम और कीपा, इसकी आपने एक्सटेंशंस खरीद लेनी है, मीन्स वो जो शेयरिंग पे मिलती हैं, ठीक है, वो लेके तो आपने इनको इंस्टॉल कर लिया। यहाँ पे भी अमेजोन सेल कर रहा है। अब किसी ने सवाल किया था कि हम कीपा की एक्सटेंशन को कैसे यूज करेंगे प्रोडक्ट सर्चिंग रिसर्च के दौरान, तो ये मैं आपको अब बताने लगा हूँ। आपने कोई भी प्रोडक्ट जब ओपन करनी है तो आपके सामने कीपा का ग्राफ ओपन होगा। सबसे पहले तो ये जो येलो लाइन है ना, इट्स मीन कि ये अमेजोन है। अब आप देख रहे हैं इस प्रोडक्ट में थ्रू आउट अमेजोन आ रहा है, ये एक जगह पे व्हाइट लाइन आई है इसका मीन कि यहाँ थोड़ी देर के लिए आउट ऑफ स्टॉक गया है, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए, फिर ये आगे सारा चलता जा रहा है, तो ऐसी प्रोडक्ट्स को आप छोड़ दो, ये हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब इस ग्राफ को हमने यूज किस तरह से करना है वो देख लो। एक तो ये ऊपर ये जो छोटे छोटे निशान बने ना, इनको आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, जैसे आपने देखा जी न्यू की ऑफर जो सी है इसको मैं निकाल देता हूँ, यूज वाली चीज़ों का ग्राफ मुझे नहीं चाहिए, अमेजोन वाला चाहिए, अमेजोन वाला नहीं चाहिए, देखिए वो खत्म हो गया, या मुझे दिखाएं कि अमेजोन कहाँ कहाँ पे, न्यू थर्ड पार्टी एफ बी एम, ठीक है, थर्ड पार्टी एफ बी एम वाले कहाँ पे हैं ये देखिए, कितने ज़्यादा वो अपनी ऑफर दिखा रहे हैं, लेकिन बाय बॉक्स ही उनके पास जा रहा है, बाय बॉक्स ये स्ट्रेट सीधा अमेजोन के साथ,
अब इसको आप हटा दो, न्यू थर्ड पार्टी एफबीए। तो जी एफबीए वाले कौन कौन से कहाँ पे है ये देखो, आए हैं चले गए, आए हैं चले गए, और ये जो है ना यहाँ पे चल रहे। अब यहाँ पे कौन सा सेलर था उसको आप ओपन करके भी देख सकते हैं, amazon.co.uk हर जगह प्राइस एंड क्वालिटी शॉप, ये दूसरे नंबर। इस तरह से आप इसको देखें, जिस चीज का आपने डाटा या कोई आपके जहन में क्वेश्चन आता है कि ये इसका क्या हो सकता है, वो आप यहाँ पे इसको आपको कीपा की एक्सटेंशन पे मिलेगा। ठीक है, यूज वगैरह को छोड़ दें, न्यू वाली को भी छोड़ दें, होम एंड किचन की कैटेगरी है ठीक है ये रहने दें। यहाँ पे जो एक चीज है वो देखने वाली ये है कि आपने जब भी इसका एनालिसिस करना है तो कितने दिन का करना है, एक दिन का करना है। एक दिन में देखिए इस तरह से आ गया कि इस घंटे से इस घंटे तक अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक था और अब 12 बजे के बाद ये फिर आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है, वीक, पिछले वीक में कितनी दफा आउट ऑफ स्टॉक है, देखिए कितनी दफा आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है, मंथ, मंथ में, पिछले मंथ में इतनी दफा आउट ऑफ स्टॉक गया, ये बेसिकली आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है क्योंकि सप्लाईज नहीं पहुंच रही ना वहां पे। 3 मंथ्स में इसका क्या डेटा जी, 3 मंथ्स में ये इतनी देर के लिए आउट ऑफ स्टॉक गया, पीछे से वो कंसिस्टेंटली आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम जो सा है 90 डेज का डाटा चेक करते हैं। अगर फर्ज करें आप यहाँ पे आएंगे, आपने देखा जी 1 डे का डाटा, अगर लो ये तो आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है, आपने वीक किया, क्योंकि रहते ही आउट ऑफ स्टॉक है, चला जाता है आ जाता है, तो इस प्रोडक्ट का तो कर सकते हैं जो हमारे क्राइटेरिया में, या तो आउट ऑफ स्टॉक हो या वो फ्रीक्वेंटली आउट ऑफ स्टॉक हो रहा हो ताकि बाय बॉक्स आपको मिलता है, तो ये फ्रीक्वेंटली आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है, लेकिन जब हमने जाके यहाँ पे 3 मंथ्स का किया है और 1 ईयर का जाके चेक किया, फिर हमें पता चला ये तो हर वक्त रहता है इस प्रोडक्ट के अंदर स्टॉक, सिर्फ अभी किसी वजह से शायद ये पेंडेमिक या इनकी सिचुएशन की वजह से इसको सप्लाई नहीं मिल रही। तो आपने इस तरह की प्रोडक्ट्स को मोनिटर भी करना है। ठीक है, इस तरह की प्रोडक्ट्स को मोनिटर भी करना है कि क्या ये बाद में जाता है आउट ऑफ स्टॉक के, फिर इन स्टॉक आ जाएगा और फिर उसके बाद जाएगा ही। ठीक इसलिए देखें इसके साथ सब ड्रॉप शिपर चिपके हुए हैं, ये सब के सब ड्रॉप शिपर्स हैं बेसिकली, कि जैसे ही अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक जाएगा ये ऑक्सो का कहीं ना कहीं पे मिल रहा होगा, ये ऑक्सो गुड ग्रिप सॉफ्ट हैंडल कैन ओपनर ये कहीं ना कहीं से मिल रहा होगा आपको, और वो टेस्को जो भी है यूएस के, इसके यूके के स्टोर्स, वहां से इस वक्त बैठे, इस वक्त आउट ऑफ स्टॉक है तो इनकी मौतें बेच रहे होंगे, ये काफी ऑर्डर आ रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस प्रोडक्ट को देखा। अब इस प्रोडक्ट का क्या मतलब हल निकला निकाला हमने, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे अमेजोन है, दूसरी बात यह है कि यहाँ पे एफबीए के एक भी सेलर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये ब्रांड किसी और सेलर को बेच नहीं रहा, ये सिर्फ अमेजोन को सेल कर रहा है, अगर किसी और को बेच रहा होता तो यहाँ पे कोई ना कोई एफबीए सेलर आ जाता आपके सामने। तो इस प्रोडक्ट को छोड़ और आ जाएगा, ये है तरीका बेसिकली मैनुअली चीजें। अब ये आ गया कोई चीज 17 इसके सेलर है, थर्मोमीटर टाइप चीज। अच्छा, यहाँ पे एक और काम भी आप कर सकते हैं आसान तरीका, वो ये है कि आप इसके ऊपर अपना कर्सर लेके आएंगे, तो साथ ही आप देखें आपको हीलियम की वो कीपा की एक्सटेंशन खुल जाएगी, ये देखें कॉर्नर में, थोड़ा सा टाइम ले रहा अगर आपको ऐसी प्रोडक्ट मिले जिसके अंदर 17 सेलर सेल कर रहे हैं, तो आप सिर्फ कर्सर उसके ऊपर लेके आए, थोड़ी देर वेट करें, और शायद इंटरनेट की आज स्पीड स्लो है, तो आपको राइट साइड पे कीपा की एक्सटेंशन ओपन हो जाएगी। तो टाइम ये ठीक है, तो यहां से आपने देख लिया कि येलो लाइंस कितनी ज्यादा है, मतलब येलो लाइन चल रही है वहां पे, तो इसका मतलब इसमें अमेजोन इसको बार बार सेल कर रहा है, ऊपर से आपको दिखा भी रहा है येलो कलर का, अमेजोन जो है उसकी 6.99 से प्राइस है। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट को यहीं पे छोड़ दें, इसके अंदर भी जाने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली आप इसको इस तरह से ब्राउज करते जाएंगे, चीजों को आराम आराम से देखते हैं, ये मैनुअल तरीका आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा मुश्किल है ये, टाइम टेकिंग है, मुश्किल नहीं है टाइम टेकिंग। यहाँ पे आप चलते जाएं इस तरह से, देखिए 19 ऑफर्स हैं,
ये और चीजें हैं, ये कुछ ये कैची है, ये ये 16 न्यू ऑफर्स है। अब आप जब इसके ऊपर कर्सर लेके आएंगे, ये अब ये देखिए, आपने कीपा की एक्सटेंशन खोली है लेकिन उसमें पीले रंग का कुछ भी नहीं है। तो इस प्रोडक्ट को हम खोल, क्या है ये 16 न्यू सेलर सेल कर रहे हैं। अच्छा ये मैं आपको एक बात बता दूं, बजाय कि आप बार बार एक चीज को दोहराएंगे, रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगी, ठीक है? तो स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, आप ग्रुप में क्वेश्चन करें अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है। ठीक, अच्छा जी, ये आ गया। अब देखें कि इसके अंदर आपको क्या हुआ कि ये येलो लाइंस नहीं है, ठीक है जी, ये फर्स्ट आपका इंडिकेटर हो गया। दूसरी ये है कि आपने देखा कि इसके कितने यानी के कस्टमर रेटिंग है, ठीक है, 1149, ठीक है। और दूसरा ये है कि साथ में आपको ये रेटिंग नजर आ रही है, यानी कि एक तो रिव्यूज इसके अच्छे हैं, जो हमने पहले कहा था कि 100 से ऊपर हो इसके, 1149 है, और 4.5 की रेटिंग है, गुड रेटिंग, ये क्राइटेरिया पास करके प्रोडक्ट। अब इधर क्या है, अमेजोन नहीं है, गुड। आगे 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 हमने देखा कि जी कि ये यहाँ पे होलसेल सॉरी एफबीए सेलर्स हैं यहाँ पे काफी, ठीक है, कितने हैं, 1 2 3 4। अब कितने सेलर्स हैं यहाँ पे टोटल, आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड पे प्राइम को चेक करना है। प्राइम का ही जब आप चेक कर देंगे तो आपके सामने सिर्फ वो होलसेलर सॉरी होलसेलर निकला उनसे, वो दिखाएंगे आपको ये सेलर्स जो के होलसेल एफबीए का रहे, ठीक है, यानी होलसेलर से लेके इसको एफबीए का रहे। अब ये सारे डिफरेंट है, शॉप इन एंड आउट, एनए ट्रेडिंग, जापान, जेपीएन, बारकेन, ये वो सारा कुछ। एक चीज का आपने ख्याल रखना है यहाँ पे, वो ये है कि ये जो सेलर है इसके ऊपर लिखा हुआ है फुलफिल्ड बाय अमेजोन, और लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है प्राइम, यानी कि ये प्राइम शिपिंग ऑफर कर रहा है क्योंकि इसकी चीजें अमेजोन के पास है, दूसरे के ऊपर भी लिखा है। अब ये यहाँ पे नीचे आपको एक नजर आएगा, ये है स्टाइल एक्स पार्टी लिमिटेड, इसके साथ प्राइम का टैग है लेकिन ऊपर फुलफिल्ड बाय अमेजोन नहीं लिखा हुआ। इसकी वजह यह है कि ये पुराना सेलर है कोई, ठीक है, और इसने अमेजोन से क्या किया है कि ये कहा जी मैंने प्राइम शिपिंग देनी है, तो अमेजोन ने उसको कहा जी ठीक है, आपकी जो साइड वाली स्टेट्स हैं जहां पे आप 2 डेज की डिलीवरी दे सकते हैं, तो आप बिल्कुल वहां पे प्राइम का टैग अपने ऊपर लगवा लें। अब इर्द गिर्द के इलाकों में जब भी इस प्रोडक्ट को सर्च किया जाएगा तो इस सेलर के साथ भी प्राइम का टैग नजर आएगा, यानी कि जो प्राइम बायर है अमेजोन का वो इससे खरीद सकता है और उसको 2 डेज में चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर इसकी स्टेट से दूर किसी जगह से अगर किसी ने सर्च की ये प्रोडक्ट जहां पे ये 2 डेज की डिलीवरी नहीं दे सकता, तो वहां पे इसके ऊपर से प्राइम का टैग हट जाएगा, वहां पे नहीं नजर आएगा इसके प्राइम का टैग, ये वैसे ही नजर आएगा स्टाइल एक्स पार्टी लिमिटेड, लेकिन प्राइम नहीं नजर आएगा। तो ये इस तरह से बेसिकली इसको हम कहते हैं सेलर प्राइम, सेलर फुलफिल्ड प्राइम, ठीक है ना, ये उस तरह। लेकिन हमारा इंटरेस्ट ज्यादा किनका है, जो कि फुलफिल्ड बाय अमेजोन है ये सेलर्स। अब इसके अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया इस प्रोडक्ट पे, अब हमने इस प्रोडक्ट की सेल्स भी तो चेक करनी है ना, कि 6 लोग हैं, मैं जाऊंगा तो मैं 7th हो जाऊंगा अगर मुझे होलसेल का अकाउंट मिल जाता है तो। अब मैं 7th हो जाऊंगा तो 7th जब जाऊंगा तो पता चले इसकी सेल ही 10 है पर मंथ, ठीक है, तो सबको एक एक सेल मिलेगी 1 महीने में, क्या फायदा इसी प्रोडक्ट करने का। तो हम पहले इसकी सेल्स चेक करते हैं, ये ले, यहाँ पे आप आएंगे हीलियम जंगल स्काउट, जिसकी मर्जी आप एक्सटेंशन रन कर दें। जब आपने इसकी एक्सटेंशन रन की तो उसने कहा जी उसकी 7903 सेल्स है, रेवेन्यू उसका 3301, यानी ठीक है, $200-$300 की इसकी सबको सेल्स आती है, ठीक, कितनी ज्यादा सेल्स नहीं है लेकिन शुरू के लिए ठीक है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ चलो थोड़ी बहुत सेल्स आ जाएंगे, 7 लोग हैं तो महीने की सबको 100-100 की सेल्स आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये यह है कि अगर इसमें प्रॉफिट अच्छा है
2-3 डॉलर का प्रॉफिट है तो फिर ये होगा कि मतलब अगर 1 डॉलर का भी प्रॉफिट है तो मीन 100 डॉलर इसे बच जाए करेंगे। लेकिन एक जगह पे जाके अभी हमारे क्राइटेरिया पे फॉल नहीं कर रही, वो है इसकी प्राइस 4.18 पाउंड, बहुत लो प्राइस है, ठीक है। और इसके अंदर क्या बचेगा, बहुत थोड़े पैसे बचेंगे और 100 सेल्स हैं। अगर फर्ज करें इसके ऊपर सेंट्स में बच रहा है, 30 सेंट्स आपको जी बच रहे हैं, आपने कैलकुलेशन की, होलसेलर से प्राइस भी ले ली, सारा कुछ कर लिया, आपने कहा जी 30 सेंट्स बच रहे हैं, महीने की सेल जो सी 100 है तो कितने हो गए 30 डॉलर। अब 30 पाउंड तो आपने डिसाइड करना है कि जी क्या ऐसी प्रोडक्ट्स, लो कॉस्ट प्रोडक्ट है, 1 डॉलर की मिल रही है, चलो मैं भेज देता हूँ 10-20 पीस, जो 2-20 पीस बिकते रहेंगे, रेवेन्यू थोड़ा बहुत जनरेट करती रहेगी किसी कोने में बैठी, ठीक है। ये डिसीजन भी आप ले सकते हैं, अदरवाइज इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। चले, इस प्रोडक्ट के साथ तो ये इशू निकला कि इसकी लो प्राइस और सेल्स कम है, लेकिन सिलेक्शन का क्राइटेरिया अब आपको आई थिंक समझ आ गया होगा कि ये चीजें देखने के बाद हमने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, सेल्स चेक करनी है, ये सारे स्टैट्स चेक करने हैं।